पुलिस ऑफिसर है वो, खूनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। दोस्तों, सुपर स्टार रजनीकांत की फिल्म दरबार रिलीज का सटा दिन है और आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे दरबार मूवी ने अपने 6 दिनों में इंडिया बॉक्स ऑफिस पे कितने करोड़ की बिजनेस की और इस फिल्म के अपने 6 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, पहले अगर बात कर लेते हैं रोज की तरह फिल्म की बजट की, तो दोस्तों फिल्म के प्रोडक्शन कॉस्ट 150 करोड़ रुपए। वही अगर दोस्तों रजनी सर की सैलरी को ऐड किया जाए तो दोस्तों मूवी के टोटल बजट हो जाते हैं 230 करोड़ रुपए। बात करें दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने अपनी शुरुआती दिनों से ही कई सारे फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और दोस्तों इस साल की तमिल इंडस्ट्री के पहला ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुका है। वही दोस्तों दरबार मूवी को इंडिया के साथ साथ ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से भी बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों दरबार मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था 40 करोड़ रुपए। बात करें दोस्तों फिल्म के दूसरे दिन की कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म के दूसरे दिन थोड़ा सा डाउन तो हुआ, लेकिन दोस्तों जितना आया वो काबिले तारीफ है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के अपने दूसरे दिन पे इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था 20 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म ने अपने तीसरे दिन पे इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था 22 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म ने अपने चौथे दिन पे इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था 23 करोड़ रुपए और फिल्म के पांचवे दिन यानी कल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था लगभग 15 करोड़ रुपए। बात करें दोस्तों फिल्म के छठे दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों आज भी है वर्किंग डे और उसी के चलते दोस्तों फिल्म के शोज के ऑक्युपेंसी आज नॉर्मल रहे और अभी के जानकारी के अनुसार फिल्म दरबार अपने छठे दिन पे इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर रहे करीब 12 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों दरबार मूवी के अपने 6 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुके हैं 132 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म के अपने 6 दिनों का टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुके हैं 150 करोड़ रुपए। बात करें दोस्तों ओवरसीज मार्केट की, तो दोस्तों दरबार मूवी ने अपने 6 दिनों में ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल कलेक्शन कर लिया है 52 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जहां फिल्म के अपने 6 दिनों का टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुके हैं 150 करोड़ रुपए, वही दोस्तों फिल्म ने अपने 6 दिनों में ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल कलेक्शन कर लिया है 52 करोड़ रुपए तक। यानी दोस्तों दरबार मूवी ने अपने 6 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया है 202 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यही था फिल्म दरबार के अपने 6 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन जो कि हो चुके हैं 202 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों तमिल यानी कॉलीवुड की फर्स्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुके हैं दरबार। तो दोस्तों आपको क्या लगता है फिल्म दरबार लाइफ टाइम टोटल कलेक्शन कितना कर सकता है, 400 करोड़, 500 करोड़ या शाहू का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले अपडेट में, टेक केयर, बाय।